हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे फार्मा पैकेजिंग, जो मेडिसिन की बॉक्स वगैरह होते हैं। कोई भी आप टैबलेट ले लो, उसकी बॉक्स होती है, डिक्लोरान जैसे होती है, और पैनाडोल होते हैं। पैनाडोल के तो पत्ते होते हैं, लेकिन जो पैकेजिंग होती है फार्मा पैकेजिंग, ठीक है, उनकी हमने पैकेजिंग कैसे करनी है, डायलिंग कैसे बनाएंगे, और उसको यानी कि डिज़ाइन किस तरह आपने करना है। तो ये हमारे पास डिटेल्स हैं, मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। ये हमारी प्रोडक्ट का नाम है, ये उसका फार्मूला जो होती है, ये मेडिसिन होती है, उसके अंदर जो केमिकल जो फार्मूला है, ये उसका फार्मूला होता है। और ये डिटेल्स वगैरह, कितने ग्राम है, 30 टेबलेट्स हैं, और ये आपको नॉर्मल हर बॉक्स के ऊपर से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये वाली चीज़ें, ठीक है। ये सारी डिटेल आपने कलेक्ट कर लेनी है, एड्रेस वगैरह जो जो आपने बॉक्स के ऊपर मेंशन करना है, और इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी आपको रिक्वायर हो वो आपने लिख लेनी है। ये मैंने एग्जांपल के तौर के ऊपर आपको ये चीज़ें शो करवाई हैं कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो आप पहले से आपने अवेलेबल कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कलेक्ट कर लेनी है, आपके पास प्रोडक्ट का नाम भी आ गया, सब डिटेल्स आपके पास हैं, ठीक है। ये आइकन्स वगैरह हैं, ये भी ज़रूरी होते हैं, कोई भी पैकेजिंग बॉक्स है उसके लिए ये आइकन्स बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी डिटेल्स हमने कलेक्ट कर ली हैं, तो सबसे पहले हम साइज़ बनाना शुरू करेंगे। ये मैं आपको साइज़ का डायग्राम दिखा रहा हूँ, हम जो साइज़ बनाएंगे वो अकॉर्डिंग टू दिस साइज़ है, ठीक है। हमारी बॉक्स की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, विड्थ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये हम सेंटीमीटर में डायग्राम बना रहे हैं, और ये मैंने मेंशन किया हुआ लेंथ ये है हमारा, और जो विड्थ हमारी ये वाली है, और हाइट हमारी ये वाली है। आपने इस हिसाब से जो पैकेजिंग फर्मा पैकेजिंग है, मेडिसिन की जो पैकेजिंग होती है, उसके हिसाब से आपने इस तरह डायग्राम बनानी स्टार्ट करनी है, और ये उसकी डायग्राम है। तो हम इस साइज़ के हिसाब से अब डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। हम एक रेक्टेंगल लेंगे, आपने रेक्टेंगल लेना है, उसको आउटलाइन में रखना है, स्ट्रोक का कोई भी लगा लो 1 PT की, ठीक है। तो साइज़ में आ जाए, सबसे पहले लेंथ में हमारे बॉक्स की लेंथ कितनी है आप देख लें, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने ये वाली पार्ट ले लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बॉक्स की हमारी विड्थ है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो आपने हमारी अब ये वाली विड्थ है, ठीक है, पैकेजिंग के हिसाब से है, ठीक है। ये हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट कितनी है हमारी, 3 सेंटीमीटर। तो आपने हाइट कैसे लेनी है, इसकी हाइट ऊपर की तरफ जाएगी, ये हाइट है, इसको आपने रेफरेंस पॉइंट दे देना, और ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास ये तीन, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीन साइज़ आपको कस्टमर दे दें तो आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो। ये तीन साइज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये तीन साइज़ आपके पास हैं तो आप इजीली डायग्राम बना सकते हो कोई भी। तो अब यहाँ पे वही नॉर्मल बेसिक सा फार्मूला है हमारा, आपने ये सेम कॉपी ऊपर कर लेनी है, और उसके बाद फिर एक कॉपी ऐसे, जो हमारा नॉर्मल जो फार्मूला है, ठीक है। और नीचे वाली साइड पे आपने रख लेनी है पेस्टिंग। पेस्टिंग का साइज़ आपको मैंने स्टैंडर्ड बताया हुआ है, 1.5 है। इसको कहीं पे हम छोटा भी कर सकते हैं, कहीं पे हम बड़ा भी कर सकते हैं, ये वज़न के हिसाब से और पेपर के साइज़ के हिसाब से हम इसको छोटा बड़ा करते हैं। तो आपने इसको कॉर्नर कर लेना है, तकरीबन 0.5 सेंटीमीटर, 5 मिली हो गया। आपने ड्रेस सिलेक्शन सेलेक्ट किया, ये एंकर पॉइंट को आपने एरो से इस तरह मूव करनी है, और इसको राइट के ऊपर, ये आपका ये फ्लैप हो गया, पेस्टिंग फ्लैप, ठीक है। अब इसके बाद हम जो परफ्यूम की डायलम बनाते थे वो इस तरह थी तकरीबन, ठीक है। चले आप इस तरह भी बना सकते हो अभी, लेकिन बाद में हमने इस तरह इसको रखना है, लेकिन आप इसी तरह भी सीखो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फ्लैप है, आपने यहाँ पर फ्लैप रखने हैं। जो हमारी ये वाली हाइट है ना, जो हाइट आपको 3 सेंटीमीटर बताई है, उतनी आपने इसको इस फ्लैप, ये वाला फ्लैप बनाना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके ऊपर ही आपका आ जाएगा दूसरा वाला फ्लैप, 1.5 सेंटीमीटर। इसको आपने कॉर्नर कर लेना है, डायरेक्ट सिलेक्शन आपने सेलेक्ट की, इन दोनों पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट करके इस तरह राउंड कर लेना है, तकरीबन आप इतना कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लैप्स चाहिए छोटे से, जो अंदर की तरफ जाते हैं, आप इस वाले से, हमारा जो मेन साइड ये वाली है, ठीक है ना, जो हाइट, इसको आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना। इसको सबसे पहले आपने इसके हाइट के बराबर रखना है,
उसको डिवाइड कर दें टू पे, ठीक है। और इसके बाद आपने डबल क्लिक करना है, लेयर के अंदर आ गए हम। यहाँ पे आपने पेन टूल से जो नॉर्मल हम फ्लाई बनाते हैं सेम वही फार्मूला है, ठीक है, सेम उसी तरह बना रहा हूँ जो अब मैंने आपको सिखाया है ना फ्लाई बनाने। तो डिस्ट्रैक्शन से इन दो पॉइंट्स को पकड़े मैं ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, और इस तरफ से मैं इनको थोड़ा सा अंदर ले जाता हूँ ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारा फ्लैप बन गया। तो इसको भी आपने जो हमारा फार्मूला था इसको थोड़ा सा छोटा रखना आपने, ठीक है, माइनर सा, ये 0.07 माइनर सा है छोटा, ठीक है। अब ये वाली साइड भी आपने छोटी रखनी है, आपको बताया था ना ये साइड क्यों छोटी रखती है, माइनर से छोटी। अब ये फ्लैप सेम कॉपी करके आप इस साइड पर ले जाओ और इसको रिफ्लेक्ट करना है आपने इस तरह। अब ये सेम जो आपकी ये वाली चीज़ें बनी है सेम आपने कॉपी करके इस साइड पे ले आनी है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर लो आप वर्टिकल, ठीक है। तो ये आपकी जो फार्मा पैकेजिंग जो आपकी मेडिसिन की बॉक्स होगी इसके अंदर आप कुछ भी डालो जो भी आपकी प्रोडक्ट है ये उसकी पैकेजिंग इस तरह बनेगी। जो हम परफ्यूम की बनाते थे वो हम इस तरह रखी होती थी हमने, इस तरह 90 एंगल पे इस तरह रखी होती थी, लेकिन इसकी ये है क्योंकि इसका फ्रंट ये है, जो बॉक्स बनेगी ना हमारा डिज़ाइन ये फ्रंट है इसका, ठीक है, और ये इसका बैक है, ठीक है, ये इस तरह बनेगा। तो यहाँ पे आपको मैं लॉक्स भी बता देता हूँ लॉक्स कैसे बनाते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इसको सीधा रख लेता हूँ ऐसे आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपने यहाँ पर आ जाना, सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पर एक लाइन लेनी है तकरीबन इतनी, यहाँ से थोड़ा सा आपने गैप छोड़ना है, ठीक है। ये लाइन को कितना ऊपर रखना है ये देखें, ये लाइन को तकरीबन आप रख लो, ये देखें 5 मिली ऊपर रखा मैंने, 5 मिली ज़्यादा है, तकरीबन 3 मिली किया ऊपर, ठीक है, माइनर सा। ये कंट्रोल वाई आप प्रेस करोगे तो आपको ये वाइल्ड फ्रेम शो करता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर एक लाइन लेनी है छोटी सी, इनके ऊपर ऐसे अटैच कर देनी है। ये देखें आप लाइन नज़र आ रही है आपको, इस तरह आपने ये माइनर आइडिया है ये आपका, इसका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है। और ये सेम कॉपी करके आपने इस साइड पे भी ले जाना है। तो ये लॉक्स हमारे बन गए, लेकिन अभी नज़र क्यों नहीं आ रहे ये देखें। अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब मैं आपको क्रीजिंग और जो हमारी कटिंग है वो आपको बता देता हूँ। इसको आपने पहले पूरी को सेलेक्ट करना है, पाथफाइंडर के अंदर जाना है, यहाँ पे आउटलाइन कर लेना आपने, ठीक है। जब आपका आउटलाइन हो जाएगा फिर आपने दोबारा कलर देना है, फिर अनग्रुप करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे, ये देखें ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपने डिलीट कर देनी है नीचे वाली, ठीक है। तो ये देखें ये आपका लॉक्स बन गए, ठीक है। ये ऐसे लॉक्स होते हैं फ्लैप्स, इसका मकसद क्या होता है, ये लॉक्स ईजी से खुलते नहीं हैं, आसानी से नहीं खुलेंगे। इसको अगर आप जल्दी से यानी कि इसको खोलोगे ना तो ये फट जाएंगे, तो यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इजीली बाहर नहीं निकलेगी, उसको बड़े गौर से आपको खोलना पड़ेगा। तो सेम आपने ऊपर कर लेना, अभी ऊपर का मैं ये डिलीट करके ये सेम दोबारा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। इसको हमने ऐसे रख लेना, रिफ्लेक्ट करके आपने रख लेना हॉरिजेंटल, ठीक है। या आपने ऊपर नीचे मेडिसिन की जब भी ये फ्लैप्स होते हैं इनके ऊपर नीचे दोनों लॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने जो कटिंग हमारी वो आपको मैं शो कर देता हूँ, ये मैं हाइड कर रहा हूँ अभी। ये देखें ये हमारी सब कटिंग है रेड, और जो क्रीजिंग है वो हमारी ब्लैक है, ठीक है, समझ गए आप। और जो आपकी डायल एंड एक्चुअल ऐसे रखनी है आपने, जब डिज़ाइन बनाना है ऐसे रखना है इसका, इसका डिज़ाइन इस तरह बनाना आपने। ये देखें इसलिए मैंने इस तरह आपको ये शो करवाया कि ये आपका लेंथ है, ये हमारी लेंथ आ गई, ये विड्थ हमारी आ गई ये वाली, ठीक है, और हाइट ये थी, ये हाइट है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी डायलाइन बन गई है। मैं इसकी ओरिजिनल फाइल भी आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लेना, इसके ऊपर ट्राई करना। अब हम इसके बाद डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। ये तो आपको चीज़ें समझ लगी ना हमने किस हिसाब से बनाई हैं, तो इसको मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा काम हो गया, ये हमारी डायलाइन आ गई है। अब इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे पास। आप हमेशा ये पेज सेट कर लिया करें इसके अंदर ही ताकि काम किया करें। तो अब सबसे पहले हम बनाते हैं ओवरलैपिंग, जिसको ऑफसेट प्राप्त करते हैं कहते हैं। मैं ये कॉपी ले गया हूँ सेम डायलाइन की, इसके ऊपर रखी, एक को सेलेक्ट करके मैंने हाइड कर लिया और दूसरे को सेलेक्ट करके मैंने, अभी ये हमारी सारी लेंथ सेपरेट सेपरेट है,
तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा, ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे आपने लगानी है स्ट्रोक, यहाँ पे मैं स्ट्रोक लगा देता हूँ 15 की, ठीक है। और इसको आपने कैप और कॉर्नर कर लेना है, और साथ ही आपने ऑब्जेक्ट में जाएगा एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है। एक्सपेंड करके फिर आपने ये पाथ फाइंड में यूनिट करना है। अब ये सारे एक पाथ हो गया, अब ये अंदर के एरिया ख़त्म करने हैं, रिलीज़ कर दें आप, फिर आपने यूनिट कर देना है। ये आपका पाथ बन गया। इसको आप फिलहाल अभी मैं वाइट में रख रहा हूँ, ठीक है। ये पाथ हमने बना लिया, वाइट में रख रहा हूँ, और जो हमारी डायलाइन है उसको मैं अनहाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ब्लैक और रेड, फिलहाल यहाँ पे मैं अभी एक ही कलर रखूँगा, रेड रख रहा हूँ मैं, ठीक है। ख़त्म कर रहा हूँ ब्लैक डायलाइन को सेट करके, सिर्फ रेड में रख रहा हूँ क्योंकि हमने डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि अगर ब्लैक में होगी वो हमें डिस्टर्ब करेगा। तो अब सबसे पहले आपने डिज़ाइन की थीम लेनी है। तो आपको मैंने बताया था, अगर आपको डिज़ाइन वेक्टर्स वगैरह आपने डाउनलोड करने हैं तो आपको मैंने बहुत अच्छी वेबसाइट बताई थी, यहाँ से आपने इजीली से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे कुछ भी आप जो आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें, अब हमें अब मैं लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के हमें वैक्टर्स हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है। ये सब वेक्टर्स हैं, इसमें इमेजेस भी हो सकती हैं, लेकिन हमने वेक्टर्स शो सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपको वेक्टर्स ही शो होंगे। यहाँ पे आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का बना बनाए डिज़ाइन ले सकते हैं। यहाँ पे जो डिज़ाइनर क्रिएटिव डिज़ाइनर, उन्होंने वेक्टर्स बना के अपलोड किए हुए हैं। इसमें सम परचेज भी करने पड़ते हैं और कुछ आपको फ्री भी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमें सबसे अच्छा लगता है ना, तो वो आप डाउनलोड कर लो। मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये देखें, ये परचेज करना पड़ेगा, आपको फ्री ये मिलेगा, तो हम ये वाला पकड़ लेते हैं। तो इसको हम डाउनलोड करेंगे, ये वेक्टर है, ठीक है। इसको मैंने डाउनलोड किया, थोड़ी सी जब आपका वेक्टर काफ़ी हैवी हो तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है डाउनलोड होने में, ठीक है। तो ये हमने इसको ओपन किया, ईपीएस फाइल आ गई हमारे पास, इसको आपने इलस्ट्रेटर में ओपन कर लेना, ठीक है। ये देखें, अभी ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये डिज़ाइन चाहिए। इसको आप कॉपी करके ले आओ अपनी फाइल के ऊपर, यहाँ पे पेस्ट किया। ये देखिए काफ़ी बड़ा साइज़ था, इसको आपने छोटा कर लेना, इसको छोटा कर लिया। तो ये हमारा वेक्टर हमारे पास आ गया, आपने इसको अब सेट करना है। इसको पहले ये देखिए, ये ग्राउंड का कलर ब्लैक है, तो हमें ग्राउंड का कलर ब्लैक नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ये लेके आते हैं, ये वाली ये क्लिप मास्क हुआ हुआ है, ये देखें, ये पूरा अगर हम कंट्रोल वाई करते हैं ना, ये आपको पूरा डिज़ाइन नज़र आ रहा है। तो हम कंट्रोल वाई दोबारा प्रेस किया है, ये आपको एक्चुअल नज़र आ रहा है। इसको लेके आएंगे हम अपने बॉक्स की फ्रंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं लेके आया इसको, यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, डबल क्लिक करके इस क्लियर के अंदर गया हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये इसका पाथ है, इसको पहले बराबर किया और यहाँ से इसको इसके बराबर कर दिया। ये देखें, ये डिज़ाइन शो हुआ आपको, ये देखें, क्योंकि क्लिप मास्क था ना, तो ये ऐसे डिज़ाइन पूरा शो हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने कलर सेलेक्ट करने हैं, कलर कौन सा करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक और रेड में खेलूँगा। हमारा जो डिज़ाइन है वो ब्लैक और रेड में होगा, ठीक है। पूरे बॉक्स के ऊपर रेड और ब्लैक के अलावा हमने कोई कलर नहीं यूज़ करना। तो हम क्या करेंगे, ये देखें, ये अभी आउटलाइन है, इसको हमने सेलेक्ट किया आईड्रॉप से। देखिए आउटलाइन इसको सेलेक्ट किया मैं, यहाँ पर मैं ग्रेडियंट लगाऊँगा, यहाँ पे उल्टा कर दूंगा, जो ग्रीन था हम उसको कर देंगे रेड, और दूसरे वाले को रेड करके लेकिन उसके अंदर ब्लैक ऐड कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह ब्लैक ऐड हो गया, तो इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर देंगे, और यहाँ से थोड़ा सा इसका शेड थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि हमें इफ़ेक्ट नज़र आए, ठीक है। ये देखिए आपको इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है, और इसी तरह इस ये जो अंदर वाली लाइन है इसको भी आपने ऐसे करना है सेलेक्ट, यहाँ पर भी सेम फंक्शन लगाना है, लेकिन इसकी स्ट्रोक थोड़ी कम रखें क्योंकि वो मोटी होगी, हमने ये तकरीबन इतनी थी 8 की, ठीक है, मॉडिफाई करना है आपने। बाकी का जो डिज़ाइन है ये वाला, इसको हम ग्रे स्केल कर देंगे। ये देखो मैं इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे एडिट में जाऊँगा और कन्वर्ट टू ग्रे स्केल हो गया। और ये वाला डिज़ाइन भी इसको आप कर लो रेड में, इसको हम रेड में रख लेते हैं और इसको हम ग्रे स्केल कर लेते हैं। ये इसको डबल क्लिक करके ना इसको आप ग्रे स्केल कर लो, ये हमने इसको ग्रे स्केल कर लिया। ये थोड़ा सा डार्क आ रहा है, तो आपने ग्रेडियंट यहाँ पे थोड़ा से इनके कलर लाइट करने हैं,
मैं इनके कलर थोड़े से लाइट कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। और ये वाला, इसको हमने यही वाली टोन लगानी है ग्रेडियंट की, तकरीबन ये वाली, ठीक है। इसको आपने फिल में रखना, आउटर में नहीं रखना, आउटर में ख़त्म कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा कुछ आपको समय लग रहा होगा जो हमारा फ्रंट है। तो यहाँ पे ये देखें, पीछे यहाँ पे टेक्सचर भी है, ये देखें ये वाला टेक्सचर, इसकी स्क्रीन लगी होगी जो हमें शो नहीं हो रहा। ये मैं डबल क्लिक करके इसके अंदर जाता हूँ, ये देखें यहाँ ओवरले लगा हुआ, नॉर्मल करेंगे, ठीक है। और 100% अगर करते हैं देखें कितना ब्लैक नज़र आ रहा है, स्क्रीन ही रहने दो आप, या आपको ये भी शो हो रहे हैं और भी टेक्सचर यहाँ पे भी है। जो क्लिप मास्क होता है ना उसके अंदर इफेक्ट लगे हो तो वो आपको नज़र नहीं आएंगे, यहाँ पे भी आपने थोड़ी सी स्क्रीन लगा देनी है जो नज़र आया, ठीक है। तो हमारी बॉक्स का ये फ्रंट हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने कर लेना प्रोडक्ट का नाम लगाना है, डिक्लोरान, ठीक है। यहाँ हम इसका नाम रखेंगे, अभी पूरी सेटिंग करनी है हमने डिब्बी की ना। यहाँ पर डिक्लोरान आप अभी फॉन्ट आपने कोई अच्छा सा लगाना है, मैं कौन सा लगाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, हम फॉन्ट लगा लेते हैं जो विजिबल हो सही, यही नॉर्मल फॉन्ट ही लगाते हैं एरियल, ठीक है। इसको आपने कैपिटल कर लेना और यहाँ पे इस तरह आपने रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अभी ये चीज़ें तंग कर रही हैं, इसको अभी बाद में आपको बताता हूँ इसका क्या करना, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो हमारी प्रोडक्ट है उसका फार्मूला ये है, ठीक है। ये फार्मूला हमेशा साथ रखते हैं, इसको हम रेड में रख लेंगे और इसको फ्रंट के ऊपर रखो आप, ठीक है। ये फार्मूला, इसका आपने फ़ोन लगाना है, कोई अच्छा सा फ़ोन लगा लें, यही फ़ोन लगा लेता हूँ मैं नॉर्मल। अभी ये आपकी मर्ज़ी है आपने कैसे फ़ोन लगाना है, ये तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ना। फ़ोन आपने आप अपनी चॉइस आपकी, ठीक है। ये आपने इस तरह रेड में फार्मूला लिख दिया, इसको बोल्ड कर दो आप, इसको मैं या इस एंगल में भी रख सकते हैं टैली में, ठीक है। ये फार्मूला आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, अभी आपके पास ऑप्शन है, ये चीज़ें अगर रेड में अच्छे, ये आपको नहीं अच्छी लग रही, आप इसको हटा भी सकते हो। जब आप डिज़ाइन बना रहे हो तो ना साथ साथ चीज़ें आपको खुद ही माइंड में आती जाएंगी। मैं इतना एरिया यूज़ कर लेता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना एरिया मेरा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम नाम के नीचे रखेंगे एक वाइट पैच, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है ना वो ना ख़राब हो। आपने ऐसे वाइट पैच रख लेना और नाम को फ्रंट के ऊपर कर लेना, ठीक है। अब आप देखें आपके नाम के पीछे वाइट एरिया आ गया, आपका डिज़ाइन नहीं ख़राब होगा। तकरीबन ऐसे कर लो आप ये चीज़ यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी मज़ीद खूबसूरती के लिए आपने कीबोर्ड इंक्रीमेंट कर लेना नॉर्मल। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रेड, ठीक है, क्योंकि रेड और ब्लैक में हमने काम करना है, रेड कर देता हूँ और नाम को ले जाता हूँ वाइट में, ठीक है। इसके आपने सेंटर करना आपने, अभी ये ग्रेडिएंट लगा हुआ ये अच्छा लग रहा है, तो आप इसको ग्रेडिएंट ही लगा लो। ये देखो मैं इसको ग्रेडिएंट लगा देता हूँ, ग्रेडिएंट हमारा अच्छा लग रहा है ये चीज़, ठीक है। आपको ये चीज़ें तो पता ही होंगी, ग्रेडिएंट और फिल का तो साला पता होगा, स्ट्रोक में कैसे लगाते हैं सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। तो इसको भी आपने थोड़ा सा अगर अच्छा करना है वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जो भी फ़ॉन्ट आप यूज़ करोगे वो आपने उस हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वैसा आपने कर लेना, ठीक है। मैं आपको जस्ट टेक्निक्स बता रहा हूँ, यहाँ तक होगा। यहाँ पे अब आ जाए, ये चीज़ें सारी आपने स्टेप बाय स्टेप पुट करनी है। ये चीज़ मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको हम वाइट में रखेंगे, फ्रंट के ऊपर कर लो ताकि नज़र आए। ये चीज़ें ऐसी, ये कोई भी जो फर्मा पैकेजिंग होती है उसकी डिटेल्स होती हैं ये लाजमी, ये सारी जो कंपनी कुछ भी बनाती है उसकी डिटेल्स लाजमी लिखती है ये वाली, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे साइड पे इस तरह रख लेना, जो जहाँ भी आपको जगह मिलती है आपने उसके हिसाब से सेट करते जाना है अपने डिज़ाइन को। मॉडिफाई हम बाद में करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाएँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 500 mg, कि ये जो हमारी टेबलेट है
ये 500 mg होगी, तो इसको भी आपने लाजमी मेंशन करना है। कोई भी अगर आपकी ये पैकेजिंग होती है ना मेडिसिन की, तो उसमें लाजमी मेंशन करते हैं ये कितने मिलीग्राम है, ठीक है। ये इसमें डिफरेंट किस्म की होती हैं, 250 भी लिख सकते हैं, अभी हम फ़िलहाल 500 की बना रहे हैं, और ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए नज़र आए बॉक्स के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर स्टाइल आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपने ऊपर नीचे करना है इस एंगल में लिख सकते हो, लेकिन जो पढ़ने में आए इजी हो पढ़ने में, ठीक है। ये मैं इस तरह कर लेता हूँ 500 mg, ठीक है। जो ये सोडियम लिखा हुआ है इसको कलर को थोड़ा रेडिश डार्क कर देते हैं, अच्छा लगे ये देखो, ठीक है। अभी हमारा डिज़ाइन जो बन रहा है वो रेड और ब्लैक में जा रहा है, हम रेड और ब्लैक से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि कल को प्रिंटिंग भी करना है तो आसानी हो, 2 कलर में हम आराम से प्रिंट कर लें, क्यों इतने ज़्यादा कलर प्रिंट करने हैं आपने। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं, ये लिखा हुआ 30 टेबलेट्स, ठीक है, ये भी लाजमी मेंशन करते हैं। इसको मैं फ्रंट के ऊपर रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, डायलाइन को आप फ्रंट के ऊपर रखना है, और इसका भी कलर चेंज कर दो, क्योंकि रेड हमारा यूज़ हो रहा है, तो ताकि कोई और कलर ग्रीन में अच्छा लग रहेगा, अभी नज़र आ रहा है सारा। ये हमारे फ्रंट से बाहर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, अभी फ्रंट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, पहले फ्रंट को बनाएंगे। तो ये टेबलेट्स को हम ले जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। इसका भी फॉन्ट अभी अच्छा सा कोई नॉर्मल पकड़ लें, नॉर्मल फॉन्ट पकड़ लिया मैंने, इसको आपने सेलेक्ट करके इसको कैपिटल कर लो, वो अच्छा है। ये छोटा सा मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। और ये क्रीजिंग के बिल्कुल पास आ रहा है डिज़ाइन, थोड़ा सा हटा लो आप, ठीक है, यहाँ तक। और इसको भी इसके लेवल पे रख दो, थोड़ा बड़ा कर लो ये। इसमें अभी हमारी प्रोडक्ट का नाम भी आ गया, उसका फार्मूला भी आ गया, ये उसकी जो क्वेश्चन वगैरह डिटेल्स है वो भी आ गई। तो यहाँ तक तो हमारी चीज़ें होंगी, हमने सब डिटेल लिख दी है, नाम भी लिख दिया है, और ये ग्राम्स भी लिख दिए, कितनी हमारी टेबलेट है इसके अंदर डब्बे के, ये सब डिटेल्स हमने लिख दी है, ठीक है। अभी ये डिक्लोरान क्या है, यानी कि ये पेन किलर है, ठीक है। तो हम कोई छोटा सा अभी इसका कोई आइकन वगैरह वो भी डाउनलोड करते हैं, आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे मेडिसिन आइकन्स, ठीक है, मेडिसिन आइकन्स। मैं बॉक्स के ऊपर ये लगाना चाह रहा हूँ, तो हमने सारी चीज़ें सर्च कर ली हैं, जो हमें अच्छा लगा है वो ये चीज़ है, ठीक है। इसको हम अपने बॉक्स के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, तो ये चेक करें, ये वेक्टर फाइल है, ईपीएस फाइल है, आप इसको डाउनलोड करो, ये आपकी मर्ज़ी, आपने जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं आपने लगा सकते हैं आप, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, ये डाउनलोड हो गया, इसको मैंने ओपन किया, और यहाँ से ईपीएस फाइल ओपन कर ली मैंने। इसको हम कॉपी करके अपने मेन पेज के ऊपर ले आएंगे, ये सारी चीज़ों को कॉपी करके ये मेन पेज के ऊपर ले आए हम। इसको थोड़ा छोटा करें। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हमने लगानी, हमें जो चीज़ें चाहिए उसे वो ही सिलेक्ट करेंगे। ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे, ये पीछे का भी नहीं चाहिए, ये चीज़ें भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ हार्ट रख लेते हैं, ये दो चीज़ें रख लेते हैं, बाकी चीज़ें नहीं लगेंगी। तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आओगे, ये यहाँ पे कैप्सूल बना हुआ है, ठीक है। देखिए हमारी टेबलेट, आप कैप्सूल भी लिख सकते हो, अगर टेबलेट है तो टेबल की फ़ोटो, या ये भी चल सकता है, लेकिन अभी हम कैप्सूल लिख देते हैं, ठीक है। अभी हमें जो मिली है वो कैप्सूल था, ठीक है, या आपने इस तरह लगा दिया। अच्छा, इसमें देखें आप, इसमें ये नीचे का शेड लगा हुआ है, या आप रखो अच्छा लगेगा, इसको हमने ग्रे स्केल कर देना है, और इसके अंदर ये ब्लू सा एक कलर नज़र आ रहा है आपको, ये देखें ब्लू सा कलर, ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अपने आर्टवर्क से बाहर नहीं जाना है। तो इसको भी हम ख़त्म कैसे करेंगे, इसको मैं पूरे को, ये देखें इसको सेलेक्ट किया, इसको ग्रे स्केल कर देता हूँ, ये देखें अब आपको नज़र आया, यानी हमारी एक्चुअल ही थीम बन गई जो हम चाह रहे थे ना। अभी इसमें सिर्फ रेड और ब्लैक से बाहर हम बिल्कुल नहीं गए हैं, और हमारा डिज़ाइन तैयार हो रहा है, ठीक है। इसको आप क्रिएट आउटलाइन करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, रेड करना चाह रहे हो ये देखो, इस तरह भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आपने खूबसूरत बनाना है, जिस तरह आपको अच्छा लगे ना आपने उस तरह करना है।
तो ये तकरीबन हमारा जो फ्रंट है ना वो तकरीबन हमारा रेडी हो गया। अभी एक लोगो भी चाहिए हमें यहाँ पे। आप कोई भी अगर आपके पास लोगो है, आपने लोगो लगाना है यहाँ पे, कोई भी फर्मा लोगोस आपने लोगोस लगाने अगर आपके पास है तो वो लगाएं, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी लोगो लगा लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे ये वाला लगा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको समझाने के लिए चीज़ें लगा रहा हूँ, ठीक है। आप ये लोगो लगा, आपका फॉर एग्जांपल ये लोगो है कंपनी का, तो आपने ये लोगो लगाना है। पहले फाइल डाउनलोड करके इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से ये मैंने EPS फाइल ओपन की, ये लोगो मैं पकड़ लेता हूँ, ये लोगो हमने कॉपी कर लिया अपने मेन फाइल के ऊपर आ गए। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, इसको छोटा कर लें आप, काफ़ी बड़ा है। तो ये लोगो को मैं लगाता हूँ किसी भी खाली जहाँ पे मुझे जगह मिलती है ना, इस एरिया पे आप लगा दो। सिर्फ हिंट है ये कि ये फ्रंट के ऊपर नज़र आना चाहिए, ये हिंट है। जो मेन लोगो आपने उधर साइड पे भी लगाएंगे हम बाद में, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना ना आपकी कंपनी का, क्योंकि नाम क्या है हमने लिखा था, ये अडोब AI फॉर एग्जांपल है, ठीक है। हम ये लिख देते हैं, इसका फ़ॉन्ट आप नॉर्मल सा कोई भी आपने अगर अच्छा लेते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ लोगो है फॉर एग्जांपल आपका ना, यहाँ अगर ये लोगो यहाँ पे नाम नहीं लिखना चाहते, सिर्फ ये लोगो लगाना चाहते हो वो लगा लो आप, ये सिर्फ ऐसे ही लगा लो। अच्छा ये ग्रीन आ गया, अब इस ग्रीन नहीं चाहिए हमें, मैंने आपको बताया था ना। आप क्या करो, ये देखें मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और ये इनको मैं कर देता हूँ रेड, और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक या ग्रे, ये देखें, ठीक है। ये हमारा लोगो आ गया, किस्म का लोगो है, ठीक है। ये आपकी बुक्स ऐसी होगी। ये चीज़ें आपने कर लेनी है, टेक्स्ट यानी बाद में करते हैं, अभी हम डिज़ाइन पूरा करते हैं। हमारी जो डब्बी का ये फ्रंट है उसके नीचे ये आपकी बॉक्स में आपने इसको भी सारी चारों साइडों पे आप लगाने हैं, ये टॉप पे ऐसे लगेगा, ठीक है। और आपने इसको यहाँ पे ग्राम्स भी लिखने हैं, ये अभी ये हर तरफ से आपको ये नज़र आना चाहिए, ठीक है। इसको आप थोड़ा अलाइनमेंट कर लो नीचे। अब यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग भी कर सकते हैं हम, एक लाइन लगा दो ब्लैक की, मैं एक ब्लैक की लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। और ये हमने फार्मूला अब यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है ये। और अब जो हमने डिटेल्स सेलेक्ट की हुई हैं, डिटेल्स भी आपने लगानी है यहाँ पे। ये देखें मैं इनमें से कुछ एरिया लेके आता हूँ, कुछ टैक्स हम लगा लेते हैं जितनी हमारे पास जगह है। ये जगह के हिसाब से सारा काम करना होता है आपको। ये मैंने टैक्स पहले कलेक्ट कर लिया था, आपने उस हिसाब से जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपने लगानी है। ये देखिए ये मैंने टैक्स लगा लिया इस तरह, ठीक है। सेम आपने इसको पहले फ़ॉन्ट को मैं कर्व कर देता हूँ, क्योंकि ये तो हमारा नाम फाइन है। इसको आपने दूसरी साइड पर भी ले जाना है, ये ग्रुप कर दिया मैंने। अब दूसरी साइड पे आपने किस तरह रखना है, इसको इस तरह रोटेट करना है, इस तरह लगाना आपने, ठीक है। ये चीज़ अब हमारी डिज़ाइन की थीम, ये पट्टी आ गई है ब्लैक कलर की, तो आप कोशिश करें फ्रंट के ऊपर भी लगा लें ताकि डिज़ाइन डिफरेंट ना लगे। ये थोड़ी सी बारीक कर देता हूँ मैं। ये जब आप साथ साथ डिज़ाइन करते जाएंगे ना, आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में खुद ही ऑटोमेटिक आती रहेंगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसको आप रेड भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ये टेक्स्ट को अगर आपने रेड करना है ना, आप रेड कर दो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये मैं रेड कर दिया, ठीक है। दूसरी साइड पे ये बाकी का जो बचा था वो आपने लगाना है। ये आप यहाँ पे ले आओ, इसको पहले रोटेट कर लो, ये टेक्स्ट को डिलीट करो, इसको ग्रुप करके लेके आओ, ये पाथ को अनसेलेक्ट किया, ये चीज़ है। कलर सेम ने रेड दे दिया, ठीक है।
इसको आप छोटा कर लो क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास ये चीज़। ठीक है, जो भी आपके पास टैक्स है वो आपने लगाना है, जो भी कंपनी आपको देती है ये आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन ये बड़ी देख के हर चीज़ लगाते हैं, कोई अपनी पास से नहीं कुछ लगा देना। मैं ये जो डिज़ाइन है सिर्फ फ्रंट के ऊपर रख रहा हूँ, हम साइडों के ऊपर नहीं लेके जा रहे, सिर्फ फ्रंट के ऊपर डिज़ाइन आएगा ये वाला। ये डायलाइन को आपने कर लेना फ्रंट के ऊपर, ठीक है, फ्रंट के ऊपर डायलाइन रखनी है आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ नाम लिखेंगे कि हमारी कौन सी बॉक्स है, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट है। रेड में करना चाहते हैं रेड में कर लो, ठीक है, डिक्लोरान। और यहाँ पे सिर्फ ग्राम लिखेंगे, आपने अक्सर बॉक्स देखी होगी तो वो इस तरह ही होता है, यहाँ पे सिर्फ ग्राम्स लिखते हैं, ग्राम्स भरा होता है, डिक्लोरान छोटा, दोनों आप जो अच्छा लगे ना आपको, ये चीज़। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट भी करनी है आपने, कंट्रोल आर से आपने स्केल ले लेना है, तो इसको सेंटर में रखना है आपने बिल्कुल। ठीक है, और यही सेम कॉपी करके आपने इस साइड पे भी ले जाना है, इसको आपने ऐसे रोटेट कर लेना है। ठीक है, रोटेट कर लिया आपने, अभी हमारा ये बॉक्स की बॉटम रह गई है जो बैक साइड है, ठीक है, वहाँ पे हम डिटेल्स, अब सारी डिटेल्स लिखनी है, अभी ये चीज़ें सारी होगी हमारी। फाइल को आपने साथ साथ सेव भी करना है, फाइल को साथ साथ सेव करना है, अगर सेव ना करें, अगर आपका सिस्टम हैंग हो जाता है या सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, सब चीज़ें गई, ठीक है, फाइल को सेव भी किए करा करें साथ साथ। अब यहाँ पे मैंने ये डिटेल्स लिख के रखी हुई थी पहले, ये यूज़ होती होती हैं हर, ये डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ें रख रहा हूँ। मैंने ये पाथ बनाया हुआ है, देखें आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जितनी जगह है उसके हिसाब से, ठीक है, इसे यहाँ पे आपने इसको कर लेना आउटलाइन, ठीक है, अब इसको आप छोटा कर लो, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा लिया आपने, यहाँ पे आप ये आइकन्स भी लगा दो, ये वाले इसको फ्रंट के ऊपर रखो, ये मैंने आइकन्स लगा दिए। अगर आप यहाँ पे सेटिंग करना चाहते हो, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये वाले जो बोल्ड किए हैं ये हमारे रेड में हो जाएं, हम रेड में ऐसे सेलेक्ट करके, फिर मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, फिर अनहाइड किया, फिर कलर दे दिया आई ड्रॉप से, ये देखिए आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये हमारे एक आइकन्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे इनको थोड़ा सा आप ऊपर कर लो क्योंकि हमने नीचे कंपनी का एड्रेस भी लिखना है यहाँ तक, ठीक है। अब ये सेम चीज़ आपने नीचे भी लेनी है क्योंकि आपकी जो डब्बी है उसका नाम हर जगह पे आना चाहिए, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये जो कोई ये भी कोई गाइडलाइन है, ये आप कहीं भी लगा दो, इसको हम इस साइड पे लगा लेते हैं या यहाँ पे लगा लो आप, ठीक है, छोटा सा करके ना। ये डिटेल्स होती हैं, या आपने चेक कर लेना आपको क्या क्या मेंशन करना है अपनी बॉक्स के ऊपर, तो ये आपके ऊपर है, आपने चॉइस आपकी है, जो कंपनी आपको कहती है ये लिखना है तो वो उसके हिसाब से आपने करना है। अगर इसको ब्लैक में करना चाहते हैं ब्लैक में कर दो, ये भी कोई जो लेबॉरटरीज वगैरह होती हैं उनका कोई है साइन है कोई, ठीक है। यहाँ पे एक्सपायरी वगैरह भी आपने लगानी होती है, ठीक है, एक्सपायरी लाजमी होती है, आपको आप इस एंगल से भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको बारकोड चाहिए, आपने बारकोड भी लगानी है, कोई भी बारकोड जनरेट कर लो आप, ठीक है। फिलहाल मैं कोई भी बारकोड जनरेट करके वो लगा देता हूँ, बारकोड तो ज़रूरी है आपको पता है ना, ये बारकोड आ गई, इसको मैं कॉपी करके अपने डिज़ाइन के ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, इसको हम रोटेट करके लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है।
अब ये बाहर जा रहा है, ये इनको डबल क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं ये सबको यहाँ से लाइंस को छोटा कर देता हूँ। ये लाइंस छोटी होंगी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको स्ट्रोक को इतना कर लें, ठीक है। ये बारकोड भी आ गई, बारकोड को थोड़ा सा साइड पे कर लें आप। यहाँ पे एक्सपायरी की जगह छोड़नी है, यहाँ कुछ भी ये बारकोड की जगह भी आपको कस्टमर बताएगा कहाँ पे लगाओ, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी का एड्रेस लिखते हैं। तो अब हमने कंपनी का एड्रेस लिखना है। मैं अब ये जो डिटेल्स हैं इनको अब टेक्स्ट में लेके जाता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटर, फ़ॉन्ट पहले अच्छा सा ले लो, फ़ॉन्ट भी आपने अच्छे लेने होते हैं जिससे फिर ना प्रोडक्ट अच्छी लगती है आपकी। अभी मैं नॉर्मल फ़ॉन्ट ही ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा आगे डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अभी ये कंपनी का नाम आ गया, इसको आईडोप से ये सेम फ़ॉन्ट आ जाएगा, ठीक है। ये कंपनी का नाम आ गया, इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे हम। आप आउटलाइन लगा के इसको बोल्ड कर सकते हैं या सिर्फ रेड कलर कर दो, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। और ये पीओ बॉक्स वगैरह एड्रेस आ गया हमारा, ठीक है। इसको एक एक ही लाइन में कर देंगे हम। अभी मैं आईड्रॉप से ये सेम फ़ोन पर करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ही लाइन में पीओ बॉक्स 547, ठीक है, ये एड्रेस वगैरह लिख दिया हमने, ठीक है। लाइसेंस नंबर भी लिख सकते हो, जो भी आपके पास डिटेल है ना वो आपने मेंशन करनी है। कंपनी का जो भी एड्रेस है, ईमेल है, जो जो आपने मोबाइल नंबर लिखना है, सब कुछ चीज़ें आपने ऐसे लिख लेनी है, ठीक है। इसको मैं आउटलाइन लगा कर्व करके थोड़ी सी आउटलाइन लगाता हूँ, थोड़ा बोल्ड सा लगे, ठीक है। अब ये हमारा तकरीबन टेक्स्ट हमारा सारा हो गया। आपने पूरे डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट ऑल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको कर्व कर लें क्योंकि अपनी फाइल को हल्का रखना है हमें। तो इन चीज़ों को आपने सेटिंग कर लेना है। ये छोटा सा ही होता है, आप कहीं भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे लगाना है तो इसको साइड पे, ये इसके नीचे रख लें, ठीक है। एड्रेस इस साइड पे ले आते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग लाजमी होती है, किसने मैन्युफैक्चर किया, उसका लाइसेंस नंबर, हर चीज़ होती है, डेट कब आपने बनाया, क्या क्या इसके अंदर डिटेल है, वो सारी मेंशन करनी होती है। ये हमने कंपनी की दे दी, ठीक है। तो ये इस तरह आपका ये डिज़ाइन बन गया, ठीक है। ये हमारा अच्छा, यहाँ पे इसको आपने उल्टा रखना है। ये पूरे जो बोर्ड पीछे वाला पार्ट है ना, ये मैंने सीधा इसीलिए भी रखा था आपको समझाने के लिए। अब इसको पकड़ के ये सब जो पार्ट है ना हमारा पीछे का, इसको आपने इस तरह इस एंगल पे रखना है, ठीक है। फिर आपको सीधा नज़र आएगा ये, ठीक है। तो ये इस तरह है हमारा बॉक्स। अब मैं आपको इसकी 3D भी बना के दिखाता हूँ ताकि आपको सही समझ लगे। टैलन को आपने फ्रंट के ऊपर कर लेना। ये मैंने फाइल को सेव भी कर लिया। तो इस तरह कोई भी आप डिज़ाइन बना सकते हो, कुछ भी उठा सकते हो। ये तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कैसे कैसे आपने सेटिंग करनी है। ये तो आपके ऊपर है, आप क्या क्या यूज़ करते हो, कौन से कलर यूज़ करते हो। ये अभी हमने सिर्फ 2 कलर में काम किया है, रेड एंड ब्लैक। अगर इसको कोई प्रिंट करने जाएगा ना तो ये सिर्फ एक रेड कलर यूज़ होगा और ब्लैक कलर यूज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई कलर नहीं है इसके ऊपर, यानी जितने कलर कम होंगे वो आपकी कॉस्ट कम आ जाती है। तो अब मैं आपको इसकी 3D बना के दिखाता हूँ, ये 3D में कैसा लगेगा, इसको 3D बना के दिखाते हैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो बॉक्स है, अब इसको हम वेबसाइट के ऊपर ले आए हैं। मैं आपको वेबसाइट का पहले भी बताया, ये पैकेज वेबसाइट है, बहुत ईजी, यहाँ पे आप इजीली व्यू देख सकते हैं अपना 3D। तो यहाँ पे हम ले आए इसको, हम यहाँ पे हम 3D बनाते हैं इसकी। ये देखें, ये हमारी बॉक्स आ गई, ठीक। इसको हम क्लोज करते हैं। ये क्लोज होगी तकरीबन ऐसे, ये देखिए, ठीक है। ये आपके बॉक्स का, ये देखिए, ये फ्रंट है, फ्रंट में देख रहे हैं आप। और ये इसके साथ ही इस तरह ये पार्ट आ गया, ठीक है। अगर इस एंगल से देखोगे तो आपको नाम नज़र आ रहा है, इस एंगल से देखोगे अभी ये देखें, इसका जब आप इस डब्बी को इस तरह घुमाओगे
ये पीछे आपका सीधा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे डिटेल आ गया आपकी, ये डब्बी के ऊपर नाम आ गया, इस साइड पे भी नाम आ गया, तो ये इस तरह होता है, ठीक है। इसको आगे देखना, मैं आपको जिस मर्जी एंगल से देख सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि जो शॉप के ऊपर बॉक्सेस ऐसे रखी होती हैं उन्होंने, या ऐसे रखी होंगी, तो या सिर्फ ऐसे रखा तो उन्होंने जो अपनी शॉप के अंदर ना, उनको बस ये पता लग जाता है डिक्लोरा ना 500 mg है, दूर से पता लग जाता है, ठीक है। तो प्राइस वगैरह भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे जगह बना के यहाँ पे प्राइस वगैरह भी लिख सकते हैं आप। तो ये नॉर्मली इस तरह बनती है जो पैकेजिंग है ना फर्मा की, ये देखें ना, यहाँ पे वो अंदर अपनी रखेंगी जो टेबलेट वगैरह वो चीज़ें आप रखोगे अपनी अंदर। तो ये इस तरह है, आपको समझ लगी है कि किस तरह आपने बनानी। अभी ये आपके ऊपर है, अभी ये मैंने 2 कलर में डिज़ाइन बनाया था, ठीक है। तो ये अब आपने कैसे इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। हम रेड ही ले लेते हैं, ये देखें रेड भी अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। ये देखें, ये आपकी बॉक्स है। तो इस तरह आपने काम करना है, जो डायलाइन मैंने आपको सिखाई है उसी हिसाब से आपने डायलाइन बनानी है, तो वो ईजी रहेगा। जिससे ये देखें फ्रंट आ रहा है, डब्बी इस तरह भी रखी होती है मार्केट में, इस तरह भी रखी होती है, ठीक है। हर तरफ से नाम नज़र आ रहा है, जिस एंगल से भी देखेंगे नाम नज़र आएगा। तो इसलिए हमने ये जो पैकेजिंग होती है फर्मा की, ये हर तरफ नाम लाजमी रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये डिटेल्स आती हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, कुछ भी आइकन लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। एक्सपायरी लगानी है लिख दो, बारकोड जो सा मर्जी लगाओ, ये सब आपकी चॉइस है, आपने जो करना है वो करना है। लेकिन मैंने आपको डायलाइन और डिज़ाइन का थोड़ा टेक्निक्स बता दिए कि डिज़ाइन किस तरह सेट करना है आपने, और कैसे बनाना है, कहाँ से चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये तो हो गया था हमारा 3D, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है लेसन 7 में। मैं मुझे ये एक यूज़र ने कहा था कि सर प्लीज़ इसके बारे में भी आप वीडियो बनाएं। तो मैंने, हालांकि मैं ये काम नहीं करता, डिज़ाइनिंग तो मेरी फील्ड में आ जाती है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो आपकी हेल्प हो जाए, आपको पता लगे कि ये जो होती है फर्मा पैकेजिंग, इनकी कैसे डिज़ाइनिंग करते हैं, ये भी आपको पता आज लग गया। कुछ भी आप डिज़ाइन करें, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। कहीं से भी आप पिक्चर्स वगैरह उठानी है, वेक्टर्स उठाएं, कुछ भी लगाएं, तो ये आपने ज़हन में रखना है कितने कलर प्रिंटिंग रखनी है। ये 2 कलर प्रिंटिंग है, रेड और ब्लैक, जो शेड आपको नज़र आ रहा वो भी रेड और ब्लैक में बन जाएगा। तो इस तरह आपने कुछ भी काम करना है सोच समझ के, दिमाग हाजिर करके, ठीक है। तो आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कर देना, और ये मेरा ये वाला जो डिज़ाइन है, इसका आर्टवर्क मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कैसी चीज़ें रखी हैं मैंने, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई नई हमारी वीडियोज़ मिलती रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट लेसन में आपसे दोबारा मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।